नमस्कार, मैं हरिओम कुमार और आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। इंटरनेशनल हेल्थ केयर एंड वेलनेस अवार्ड का आयोजन मुंबई में हुआ था हाल ही में, जहां बिहार से क्लिनिक है कायकल्प क्लिनिक, उनको सम्मानित किया गया है। कायकल्प क्लिनिक जैसे ही सम्मानित हुआ तो बिहार के सारे डॉक्टर और जो जितने भी पेशेंट हैं सबकी नज़रें सबकी निगाहें उन पर टिकी कि कायकल्प क्लिनिक को सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये कायकल्प क्लिनिक को सम्मानित किया गया था, ये मशहूर एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान को द्वारा सम्मानित किया गया था, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो उनके द्वारा सम्मानित होना बहुत खुशी की बात है। और ये कायकल्प क्लिनिक जिनको सम्मानित किया गया था, क्लिनिक के डॉक्टर हैं डॉक्टर मनोज पांडे वैद्य, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, और इनसे पहले भी उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज पांडे वैद्य। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत बधाई आपको, जो आपको सम्मानित किया गया है। और साथ में हैं डॉक्टर जूही कुमारी, जो स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आइए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये अवार्ड मिला तो सबसे पहले आपको कैसा फील हुआ? आई फील वेरी प्राउड टू रिसीव दिस अवार्ड एंड मैनी मैनी थैंक्स टू इमिनेट रिसर्च सोसाइटी एंड देयर सेलेक्शन टीम हु सेलेक्ट अस फॉर बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक इन बिहार। वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये पता कैसे चला कि आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है और फिर आपका सिलेक्शन हुआ? एक फ़ोन आया हमारे पास, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड गिवन बाई अरबाज खान। तो आपको मतलब खुशी हुई होगी या फिर आपको लगा कि फेक भी हो सकता है, कोई कॉल करके बताया अरबाज खान के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है? तो पहले तो आश्चर्य हुआ कि अरबाज खान के द्वारा अवार्ड मिल रहा है, तो फिर कंफर्मेशन हम लिए तो पता चला कि नहीं, ये सही है, और जा कर के अवार्ड लिए। तो अरबाज खान के आप फैन भी रह चुके हैं इससे पहले? हाँ, आप भी? हाँ, बहुत फैन हूँ। तो फिर आपको अवार्ड अच्छा लगा होगा जबकि आप जा रहे हैं अपने, पता अगर आप पहले से फैन हैं किसी एक्टर के और पता चल रहा है कि उनसे मिलने जा रहे हैं, तो फिर खुशी का एक माहौल बन जाता है। बहुत खुशी का माहौल था और इट वॉज वेरी प्लेजर मोमेंट फॉर अस टू रिसीव दिस अवार्ड फॉर बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक एंड स्किन केयर क्लिनिक इन बिहार बाई फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड एक्टर अरबाज खान, और उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे ढंग से वो बात भी किए और हम लोग गले भी मिले, और ये खुशी की चीज़ है और अच्छा लगा अवार्ड लेकर के। डॉक्टर साहब, आप बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट में आप शुमार हैं, गिने जा रहे हैं, तो इनसे पहले भी पता चला है कि आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया गया था। हाल ही में दिल्ली में भी कोई अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था, इससे पहले भी अनोखा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया था। तो ये दिन पर दिन आपकी जो ये बढ़ती जा रही है लोकप्रियता, उसके पीछे क्या कारण है? अवार्ड आपको मिलते जा रहा है और आपके जो पेशेंट्स हैं वो सक्सेस हो रहे हैं और वो खुश होकर निकलते हैं आपसे जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर आपको कैसा फील हो रहा है और नेक्स्ट आपका फिर क्या टारगेट है? अवार्ड मिलने से तो यही प्रतीत होता है कि हमारी काम करने की जो शैली है या सक्सेस रेट है पेशेंट को ठीक होने में, वो अच्छा है, तभी तो अवार्ड मिल रहा है, लोग सेलेक्ट कर रहे हैं अवार्ड के लिए, और हम चाहेंगे कि इस तरह की अवार्ड मिले। और अवार्ड मिलने से एक तरह से हम लोगों के अंदर टॉनिक का काम करता है, इनर्जी फील करते हैं कि चलो अवार्ड मिला और इससे बेहतर ढंग से काम करना है, पेशेंट का इलाज करना है, ताकि हमारे ख़ास तौर से बिहार के पेशेंट में जो देखा गया है कि थोड़ी सी कमी रह जाती है इलाज में, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट करा नहीं सकते हैं और प्रॉपर नॉलेज भी नहीं कि हम क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इस तरह के पेशेंट को हम चाहते हैं कि सही ढंग से इलाज हो और किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। आजकल तो इतनी मेडिसिन लोग यूज़ कर रहे हैं, दवा बीमारी कम और उसका रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि आयुर्वेद को यूज़ करें और सेफ़ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो, हमारी यही कामना है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से ही इलाज करते हैं, और सवाल हम आगे भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको अवार्ड दिखा दूं। डॉक्टर साहब जो अवार्ड लिए हैं, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अवार्ड ये हैं, और ये सर्टिफिकेट है, ये एक्नॉलेजमेंट है, जो कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनके क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है और ये लीडिंग सेक्सोलॉजिस्ट एंड स्किन केयर क्लिनिक इन बिहार, ये इसमें लिखा हुआ है।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, वो पूर्णतः आयुर्वेद के द्वारा ही करते हैं? जी हाँ, पूर्णतः। तो ये सेक्सोलॉजिस्ट का करने, तो अभी क्या रेशियो चल रहा है बिहार में, मतलब इस डिजीज को लेकर के? सेक्सोलॉजिस्ट आप हैं तो मैक्सिमम लोग आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं या फिर एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं, होम्योपैथ की तरफ जा रहे हैं, या कैसा चल रहा है ये? देखिए, हम लोगों को तो सेक्सुअल डिजीज में यदि किसी को ट्रीटमेंट लेना हो तो आयुर्वेद से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि और भी पद्धति है इलाज के लिए। तो हर पद्धति में, जैसे मान लीजिए एलोपैथी लेते हैं, तो एलोपैथ में क्या है कि सेक्सुअल डिजीज के ट्रीटमेंट में लोग सेक्सुअल टैबलेट यूज़ कराते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ऐसा पेशेंट सोचता है कि हम सेक्सुअल डिजीज का ट्रीटमेंट एलोपैथ में ले रहे हैं तो सेक्स में इम्प्रूव हो जाए फॉर लाइफ टाइम या फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये संभव नहीं है। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सेक्सुअल पिल्स ठीक है, कारगर है, लेकिन उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और सेक्सुअल डिजीज़ के लिए आयुर्वेद से तो अच्छी कोई दवा नहीं है हमारी समझ से। जी, तो इस आयुर्वेद आचार्य आप हैं, तो इस आयुर्वेद के माध्यम से आप सब कुछ सफल इलाज कर दिया है। तो मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि मैडम आप स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो स्किन केयर स्पेशलिस्ट होने के नाते आप कुछ बताएं कि किस प्रकार से आप जो पेशेंट आते हैं उसको आप इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, आपका विधि क्या है ट्रीटमेंट करने का? देखिए, मैं स्किन केयर डॉक्टर तो हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मतलब पेशेंट आते हैं उनको अच्छी तरह से इलाज दे सकूँ, और मैं इस तरह से करती हूँ जिसके कारण जनता लोग बहुत खुश होते हैं, पेशेंट भी खुश होकर जाते हैं, इसी कारण से मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मैडम, आपका ट्रीटमेंट करने का विधि क्या है? आयुर्वेद द्वारा ही करते हैं आप भी? करते हैं। तो स्किन केयर में क्या होता है ना, कुछ घरेलू नुस्ख भी होते हैं जो कि जैसे स्किन को लेकर के, अभी जो है जो लड़कियां अभी है सर्दी का मौसम चल रहा है तो फिर हल्दी लगाना वगैरह, कुछ जो मतलब घरेलू नुस्ख होते हैं, तो क्या उस प्रकार का भी आप सजेशन सलाह देते हैं पेशेंट को? हाँ, देती हूँ, घरेलू नुस्ख भी हम लोग बताते हैं आयुर्वेद के द्वारा। तो इस आपको भी अवार्ड मिल चुका है इससे पहले भी, तो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा अवार्ड लेने के बाद। तो अभी फिर नेक्स्ट आपको लोग का टारगेट क्या है, क्लिनिक आगे बढ़ाना, जनता सेवा करना इस प्रकार से, या कुछ रिसर्च वगैरह फिर इस सेक्टर में? मैं चाहूँगी कि अवार्ड जिस तरह से मुझे सम्मानित किया जा रहा है मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे जनता लोग मुझे हर तरह से सपोर्ट कर रही है, इसी के कारण मुझे अवार्ड बार बार मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर दंपति किस प्रकार से खुश हैं, और इनके लड़के से भी मैं आपको बात करवाता हूं, इनके लड़के भी खुश हैं, परिवार में क्या माहौल चल रहा है अभी ये अवार्ड को लेकर के मैं आपको रिव्यू करवाता हूं। अभी हमारे साथ में उनके लड़के मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे आपका एक नाम क्या हुआ और आप उनके लड़के हैं, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? माय नेम इज आशुतोष पांडे एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड दैट माय फादर एंड मदर गॉट द प्राइज। They are getting the prize because they are doing very great job in their life. They are treating someone and the patients are very happy because of that. They are treating like they are curing them and they are feeling that it is a real cure, that Ayurveda is doing a real cure to them. So that's why the patients are very happy and that's why they are getting the prize. So I wish the same for them to continue with their job and continue with their happiness and continue with the awards they are getting, and they may receive many awards in their future, I guess. So I just want them to be happy and get successful in their lives. It's a request for the public that if you want to be cured completely for your whole life, then you can just come around and talk to my father and mother. They will cure you with the Ayurveda treatment and they will give you the guarantee to be cured for sure, and 110% will be the guarantee that you will cure for your life. Thank you. आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज, जन जन की आवाज।